Assalamu alaikum. Let's start with printing of a diamond. So before printing the diamond, we will try to chalk out a plan. हम एक plan तैयार करने की कोशिश करते हैं. So my plan is to divide the program for printing this diamond into two halves. कोड का पहला हाफ जो है वो इतने पोर्शन का डायमंड जो है वो प्रिंट करेगा, जबकि कोड का जो दूसरा हाफ है वो इतने पोर्शन का डायमंड जो है वो प्रिंट करेगा. ओके, अगर आप गौर से देखें तो इस डायमंड में दो मेन काम हो रहे हैं. द फर्स्ट मेन वर्क और द फर्स्ट मेन टास्क इज़ टू प्रिंट स्पेसेस एंड द सेकंड मेन टास्क इज़ टू प्रिंट स्टेरिक. सो फर्स्ट रो में दो स्पेसेस हैं. अगर आप यहाँ से स्टार्ट करें, मिडल रो से अगर आप काउंट करना शुरू करें, सो देर आर टू स्पेसेस. दिस इज़ द फर्स्ट स्पेस एंड दिस इज़ द सेकंड स्पेस. सिमिलरली देर इज़ ओनली वन स्पेस इन द सेकंड रो. देर इज़ नो स्पेस इन द मिडल रो, द थर्ड रो. देर इज़ वन स्पेस इन द फोर्थ रो एंड देर आर टू स्पेसेस इन द फिफ्थ रो. सो आपने बिल्कुल मिडल रो को रेफरेंस बनाते हुए नंबर ऑफ स्पेसेस जो है वो काउंट करना है. ओके, सो एज मेंशन्ड प्रीवियसली वी विल ट्राई टू फर्स्ट प्रिंट द फर्स्ट हाफ ऑफ द डायमंड, विच इज ईजी फॉर मी टू डू. क्लियर? ओके, सो इन ऑर्डर टू प्रिंट two spaces in the first row, we can simply write print space, clear? And in order to do it more efficiently, bajaye ye ki main do dafa print space likhun, print space or print space, theek hai, ek tarika to ye hai ki do spaces ko मल्टीपल प्रिंट स्टेटमेंट से प्रिंट कर लो. सो दिस इज़ नॉट एफिशिएंट वे. द एफिशिएंट वे इज़ टू यूज़ अ फॉर लूप, क्योंकि आपको पता है कि टास्क को रिपीट कर, एक टास्क जो है वो रिपीट हो रहा है स्पेस को प्रिंट करने वाला. सो व्हाई नॉट यूज़ फॉर लूप. सो लेट्स यूज़ फॉर लूप फॉर एस इन रेंज एंड सिंस देर आर टू स्पेसेस वी वॉन्ट टू रिपीट दिस इंस्ट्रक्शन टू टाइम्स. जस्ट राइट टू ओवर हेयर एंड डेट्स इट. दो स्पेसेस जो हैं वो प्रिंट हो जाएंगे. नाउ आफ्टर प्रिंटिंग टू स्पेसेस वी वॉन्ट टू प्रिंट वन स्टैरिक. सो यू कुड राइट फॉर एक्स इन रेंज वन एंड यू कुड राइट प्रिंट static. And is equal to this. And place bracket over here. Okay, the reason I wrote this print statement to print static within for loop is that जब आप second row में जाएंगे तो आपने multiple statics को print करना है. सो मल्टीपल स्टैटिक्स को प्रिंट करने के लिए यानी मल्टीपल टाइम्स इस स्टेटमेंट को रन करने के लिए द एफिशिएंट वे इज टू अगेन इंसर्ट इट इन द बॉडी ऑफ फॉर लूप. सो दीज फोर लाइंस विल प्रिंट द फर्स्ट रो. इट विल प्रिंट द फर्स्ट रो ऑफ द डायमंड. नाउ द नेक्स्ट थिंग विच वी वॉन्ट टू डू इज or which the computer should do is go to the next line. So we will write print backslash n. So the computer will come to the next line. Now notice that in second row there is only one space and three sterics.
and if I want to use this code to print one space and three statics, what can I do is मैं इस टू को ख़त्म कर दूंगा और इस टू को वन कर देता हूँ। इससे क्या हुआ कि स्पेस जो है वो एक दफ़ा प्रिंट हो जाएगा सेकेंड रो में। इसी तरह अगर मैं इस वन को ख़त्म करके यहाँ पे थ्री लिख दूँ तो तीन स्टैटिक्स जो है वो प्रिंट हो जाएंगे सेकेंड रो पे और फिर कंप्यूटर जो है वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। थर्ड रो पे आके अगर मैं इस वन को ख़त्म करके ज़ीरो कर दूँ, इट मीन्स दैट दिस फॉर लूप विल नॉट रन, स्पेस विल नॉट बी प्रिंटेड, और ऐसा ही हमें चाहिए थर्ड रो पे। और थ्री की जगह पे अगर मैं कर दूँ फाइव, देन फाइव स्टैटिक्स विल बी प्रिंटेड। सो यूजिंग दिस कोड आई कैन प्रिंट द फर्स्ट हाफ ऑफ द डायमंड। फर्स्ट रो को प्रिंट करने के लिए यहाँ पे टू लिखना पड़ेगा और यहाँ पे वन लिखना पड़ेगा। जब सेकेंड रो पे आप जाएंगे और सेकेंड रो को प्रिंट करने के लिए आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट कहेंगे तो आपने दोबारा ये वाला जो कोड है यूज़ करना पड़ेगा। तो इस कोड को रीयूज़ करने के लिए यू हैव टू फोर्स द कंप्यूटर टू कम बैक टू द दिस लाइन। ठीक है, तो फर्स्ट रो प्रिंट करने के बाद कंप्यूटर जो है वो इस लाइन पे या इसके नीचे वाली लाइन पे होगा। तो इन ऑर्डर टू फोर्स द कंप्यूटर टू कम बैक टू द वेरी फर्स्ट लाइन एंड रीयूज़ द अबव कोड यू हैव टू डू समथिंग एल्स। और वो क्या है, वो ये है कि आप यहाँ पे सिंपली क्या करें, इस पूरे कोड को एक और फॉर लूप के अंदर लिख लें। सो फॉर से फॉर आर इन रेंज समथिंग, वो बाद में हम देखेंगे वो क्या है समथिंग। सो फॉर आर इन रेंज, इसको मैं सारा मिटा देता हूँ। ठीक है, सो फॉर आर इन रेंज और यहाँ पे कॉलन का साइन लगा लें और इन सब को अंदर ले जाएं। सो अब मैंने क्या किया कि जो प्रीवियसली जो मैंने कोड लिखा है इसको एक और फॉर लूप के अंदर मैंने लिख लिया, बिकॉज आई वांट टू प्रिंट रो नंबर टू एंड आई आल्सो वांट टू प्रिंट रो नंबर थ्री यूजिंग द कोड इनसाइड दिस ब्लू बॉक्स। इस ब्लू बॉक्स के अंदर जो कोड है, अगर आप फॉर आर इन रेंज नहीं लिखते तो ब्लू बॉक्स के अंदर जो कोड है वो सिर्फ फर्स्ट रो को प्रिंट करेगा। सेकेंड रो को प्रिंट करने के लिए आई हैव टू अगेन यूज़ दिस कोड। तो उस कोड को रीयूज़ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस ब्लू बॉक्स के अंदर जो कोड है वो फॉर लूप के एक और फॉर लूप के अंदर डालना पड़ेगा। इसी तरह थर्ड रो को प्रिंट करने के लिए मुझे अगेन इसी कोड को रीयूज़ करना पड़ेगा। तो अब आप मुझे ये बताएं कि ये वाला जो ब्लू बॉक्स के अंदर जो कोड है ये कितनी दफ़ा रीयूज़ हो रहा है तीन रोज को प्रिंट करने के लिए, कोई बता सकता है? एनीवन? रिपीट करें अपना क्वेश्चन। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो ब्लू बॉक्स के अंदर जो कोड लिखा हुआ है इसको मैं बार बार रीयूज़ कर रहा हूँ ताकि ये सेकंड रो को भी प्रिंट करे और थर्ड रो को भी प्रिंट करे। तो मेरा सवाल ये है कि मुझे इस ब्लू बॉक्स के अंदर जो कोड है इसको कितनी दफ़ा मैं रीयूज़ करूँ जिससे ये हाफ डायमंड जो है वो प्रिंट हो जाए? थ्री टाइम्स दफ़ा। अंदर वाले को फिर मॉडिफाई करना पड़ेगा। वो देख लेंगे, मॉडिफाई कर लेंगे। पहले आप ये बताएं ये कोड कितनी दफ़ा दिया? थ्री टाइम्स। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, तो थ्री टाइम्स। तो आप इस यहाँ पे क्या लिखेंगे? बिल्कुल यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे, एक मिनट मैं इस कोड को ज़रा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा थ्री ताकि तीनों रोज़ जो हैं वो प्रिंट हो जाए।
अब मसला ये है कि आपने शुरू में देखा होगा कि हमने कहा था कि टू की जगह पे वन, वन की जगह पे इसी तरह ज़ीरो, इसी तरह वन की जगह पे थ्री, और इस थ्री की जगह पे फाइव। सो सेकेंड रो को प्रिंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये इस टू की जगह पे वन लाना पड़ेगा, और इस वन की जगह पे मुझे थ्री लाना पड़ेगा। सो क्लियरली यहाँ से हमें ये इशारा मिल रहा है कि रेंज के अंदर जो आपने एक कांस्टेंट वैल्यू लिखी है टू, ये इस रेंज के अंदर जो आपने एक कांस्टेंट वैल्यू लिखी है वन, इसको कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, इसको वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, सो इस टू को ख़त्म करके अगर मैं कोई वेरिएबल लिख लूँ, से उस वेरिएबल का नाम है स्पेस, ठीक है, और इसी तरह ये वाला जो कांस्टेंट है इसको ख़त्म करके मैं इसकी जगह पे कोई वेरिएबल लिख लूँ, से उस वेरिएबल का नाम है स्टार। सो मेरा अब जो मसला है वो किसी हद तक जो है वो हल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आप लोग इस बात पे मुत्तफिक हैं कि रेंज के अंदर जो आपने कांस्टेंट वैल्यूज़ लिखी हैं वो कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए, बल्कि इट शुड बी वेरिएबल? ठीक है, क्या आप लोग इस बात से सेटिस्फाइड हैं? जी सर, ठीक यस है, मैंने सर, शुरू में क्योंकि मैंने शुरू में बताया था ना आपको कि इस टू को अगर आप कर दें वन, और इस वन को आप कर दें थ्री, और इस कोड को रिपीट करें, तो सेकेंड रो जो है वो प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह इस वन की जगह पे आप कर दें ज़ीरो, और इस थ्री की जगह पे आप कर दें फाइव, और इस कोड को दोबारा चलाएं, तो थर्ड रो जो है वो प्रिंट हो जाएगा। सो यहाँ से मुझे पता चला कि दिस टू एंड वन शुड नॉट बी कॉन्स्टेंट, या दूसरे लफ्ज़ों में रेंज के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है इट शुड नॉट बी कॉन्स्टेंट, इट शुड बी वेरिएबल। तो मैंने ये कहा है कि आप टू की जगह पे स्पेस लिख लें, और वन की जगह पे क्या कर दें, स्टार लिख लें। तो यही काम मैं यहाँ पे करने लगा हूँ। तो इसी कोड को मैं क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट करता हूँ, कॉपी, और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सो टू की जगह पे मैं क्या लिखूँगा, स्पेस, और वन की जगह पे मैं लिखूँगा स्टार। अब एंड नाउ, अब आपने ये बताना है कि शुरू में देखें, शुरू में चेक करें, ये शुरू में टू, शुरू में एस इन रेंज ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, टू टू। सो और इसी तरह ये देखें, ये फॉर एक्स इन रेंज ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, वन वन। वन सो इट मीन्स दैट यू हैव टू इनिशियलाइज स्पेस वेरिएबल टू टू एंड स्टार वेरिएबल टू वन। सो ये टू जो है वो उठ के इधर आ जाएगा, और ये वाला जो वन है ये उठ के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सो यू कैन विजुलाइज दिस स्पेस इनिशियली टू बी टू, एंड यू कैन विजुलाइज दिस स्टार इनिशियली टू बी वन। सो फर्स्ट रो जो है वो प्रिंट हो जाएगा। जब सेकेंड रो को प्रिंट करने की बारी आएगी, आई हैव टू चेंज दिस टू टू वन, इस टू को मुझे वन करना पड़ेगा। तो टू को वन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई बता सकता है? आप स्टेप बनाएंगे -1 को आई गेस। हाँ, वेरी गुड। सो स्पेस इज इक्वल टू स्पेस माइनस वन मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ पे जो टू था वो यहाँ पे आ जाएगा। सो टू माइनस वन इज इक्वल टू वन, तो स्पेस की वैल्यू अप हो जाएगी वन, और यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई बता सकता है? ये देखें स्टार में टू स्टार, ऐड करेंगे, टू ऐड हाँ करेंगे। बिल्कुल। तो स्टार की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे इनिशियली वन थी ना, और सेकेंड रो को प्रिंट करने के लिए मुझे स्टार की वैल्यू थ्री चाहिए। सो इट मीन्स दैट आई हैव टू इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ स्टार बाई टू। तो स्टार टू प्लस टू मुझे, स्टार प्लस टू जो है वो मुझे करना पड़ेगा। तो स्टार इज इक्वल टू स्टार प्लस टू करने के बाद, नाउ योर प्रोग्राम इज़ रेडी टू प्रिंट द सेकेंड रो ऑफ द डायमंड। ठीक है, इस फॉर लूप की वजह से, ये जो आउटर मोस्ट फॉर लूप है ये वाला, इस फॉर लूप की वजह से कंप्यूटर जो है वो दोबारा यहाँ पे आएगा, स्पेस को कर देगा वन, और एक स्पेस प्रिंट कर देगा, और उसके बाद स्टार तो हो गया टू,
स्टार को क्या करेगा, दो दफ़ा प्रिंट कर, हाँ स्टार को तीन दफ़ा प्रिंट करेगा क्योंकि 2+1=3, तो स्टार को तीन दफ़ा प्रिंट करेगा और रो नंबर 2 जो है वो आउटपुट विंडो के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा, और फिर आपका कोड जो है वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, स्पेस की करंट वैल्यू जो है वो कितनी है, 1 है, स्पेस की करंट वैल्यू 1 है, 1-1=0, स्टार की करंट वैल्यू क्या है, 3, सो 3+2=5, इस आउटर मोस्ट फॉर लूप की वजह से कंप्यूटर जो है दोबारा वापस इधर आएगा यहाँ पे और स्पेस को 0 दफ़ा प्रिंट करेगा, यानी ये प्रोग्राम ये वाला कोड चलेगा नहीं, और एक्स को कितनी दफ़ा प्रिंट करेगा, 5 दफ़ा प्रिंट करेगा क्योंकि 3+2 किया था ना, हाँ 3+2 किया था पहले, तो स्टार जो है वो 5 दफ़ा जो है 5 दफ़ा जो है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, मैं बात की समझ आ गई, तो इसी कोड को आप ये यहाँ पे चला के देख सकते हैं, तो ये देख से ये आपको नजर आ रही है स्क्रीन, ये हाफ डायमंड जो है प्रिंट हो गया, हाफ डायमंड प्रिंट हो गया। ठीक, ये वही कोड है जो मैंने वहाँ पे लिखा है। ओके, शुरू में मैंने बताया कि ये अगर आप \n लिखते हैं तो न्यू लाइन में कंप्यूटर जो है वो चला जाता है, लेकिन अगर आप \n नहीं लिखते, सिर्फ प्रिंट और प्रिंट के अंदर कुछ भी ना लिखें, ब्रैकेट्स के अंदर कुछ भी ना लिखें, तो फर्स्ट रो और सेकंड रो के दरमियान जो स्पेसिंग है वो कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट रो और सेकंड रो के दरमियान स्पेसिंग जो है वो कम है। अगर मैं यहाँ पर डालूँ \n तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा स्पेस है फर्स्ट रो के दरमियान और सेकंड के दरमियान, इसी तरह सेकंड और थर्ड के दरमियान काफ़ी स्पेस आ रही है। सो टू मेक इट लुक लाइक मोर ऑफ अ डायमंड, आप क्या करें कि आप यहाँ से \n को ख़त्म कर दें, और इसकी वजह यह है कि एंड जो है ये मसला करता है \n के साथ, तो इसलिए अगर आप \n ना लिखें यहाँ पे तो स्पेसिंग हर रो के दरमियान जो स्पेसिंग है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, या आप कह सकते हैं ना होने के बराबर। ठीक है, सो यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। सर, \n जो है वो दो स्पेसेस देते हैं, मतलब दो रोज के दरमियान? अगर उससे पहले एंड का कमांड यूज होता हो तो, ठीक है, अगर एंड का कमांड यूज होता हो सही, सो अगर आप एंड के फौरन बाद \n यूज करेंगे तो वो काफी स्पेसेस जो है वो डालने की कोशिश करता है, तो बेहतर ये है कि आप फिर \n ना लिखें प्रिंट के अंदर। ओके सर, ठीक है, क्लियर है ना ये, अब ये वाला कोड? यस सर। जी सर। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि इसको, अच्छा इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमने ये जो लास्ट या लोअर हाफ है, लोअर हाफ ऑफ द डायमंड, इसको प्रिंट करना है। ठीक है, सो इसको ये मैंने निशान लगाया कि वी आवर टास्क इज टू प्रिंट द लोअर हाफ ऑफ द डायमंड यूजिंग अ सेपरेट कोड। ठीक है, एंड पे बताऊंगा कि आप एक इसी कोड को रीयूज करके भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, सो इट इज़ बेटर टू राइट एडिशनल लाइन्स ऑफ कोड टू प्रिंट द लोअर हाफ ऑफ द डायमंड। ओके, सो अब करेंगे कैसे इसको, अगेन अब हम प्लान की तरफ आते हैं। प्लान हमारा ये है कि स्पेस को हमने प्रिंट करना है फोर्थ रो में, एक स्पेस प्रिंट करना है, फिर तीन स्टैटिक्स प्रिंट करना है, फिर लाइन नंबर या रो नंबर 5 में हमने दो स्पेसेस प्रिंट करने हैं और एक स्टैटिक प्रिंट करना है। सो अगर मैं ये काम करूँ, कौन सा वाला काम, कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अगेन सेम, सो स्पेस को प्रिंट करने के लिए फॉर एस इन रेंज, ठीक है, फॉर एस इन रेंज, और इसके अंदर मैं लिख दूँ प्रिंट, print, प्रिंट, और स्पेस एंड इज इक्वल टू ये, तो कितने स्पेस मैंने प्रिंट करने हैं, इनिशियली 1, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1,
यहाँ पे एक स्पेस है ना, रो नंबर 4 में एक स्पेस है, तो फॉर द टाइम बीन मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ। और स्टैटिक्स को प्रिंट करने के लिए मैं लिखता हूँ फॉर एक्स इन रेंज, हमारे पास 3 स्टैटिक्स हैं, सो आई विल राइट 3 ओवर हेयर। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट स्टैटिक स्टैटिक और एंड इज इक्वल टू ये। सो तकरीबन वही मेरा प्लान है जो मैंने फर्स्ट हाफ के लिए किया था, वही है। आई विल यूज़ ओनली 2 प्रिंट स्टेटमेंट्स टू प्रिंट द स्पेसेस एंड द स्टैटिक्स, और ऑब्वियसली मैं उनको फॉर लूप के अंदर डालूंगा, क्योंकि मुझे मैं यहाँ पे मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि सेकेंड रो में स्पेसेस जो है मल्टीपल मल्टीपल टाइम्स प्रिंट हो रहे हैं। इसी तरह रो नंबर 4 में मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि स्टैटिक्स जो है वो मल्टीपल टाइम्स प्रिंट हो रहे हैं, इसलिए मैंने प्रिंट स्टेटमेंट ये वाला उसको फॉर लूप के अंदर डाला है, और इस वाले प्रिंट स्टेटमेंट जो कि स्पेस को प्रिंट कर रहा है उसको भी मैंने फॉर लूप के अंदर डाला है। ठीक है, ये इस तरह की ऑब्जर्वेशन आपने करनी होती है जब भी आप प्रोग्राम लिखते हैं। तो ऐसे आंखें बंद करके या ब्लाइंडली जो है ना फॉर लूप इफ एल्स यूज़ नहीं करते, बल्कि इसके पीछे एक रीज़न होती है फॉर लूप लगाने की या व्हाइल लूप लगाने की। सो यहाँ तक क्लियर है ना? फॉर एस इन रेंज 1 और फॉर एक्स इन रेंज 3, उससे क्या होगा, रो नंबर 4 जो है ये प्रिंट हो जाएगी। रो नंबर 4 को प्रिंट करने के बाद आपने आना है नेक्स्ट लाइन में। सो नेक्स्ट लाइन में आने के लिए आप करेंगे print प्रिंट, और मैंने अभी आपको बताया था कि बैक स्लैश एन ना लिखें तो बेहतर है, ठीक है। सर और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने फिर इस लाइन इस रो को प्रिंट करना है। तो इस रो में 2 स्पेसेस हैं, और शुरू में मैंने बताया कि आप ऊपर वाला जो कोड आपने लिखा है ये वाला, इनको आप रीयूज़ करके रो नंबर 5 को प्रिंट कर सकते हैं। वो कैसे, वो ऐसे कि आप अगर इस 1 की जगह पे कर दें 2, तो 2 दफ़ा स्पेसेस प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है ना? ये सब लोग मुत्तफिक है ना इस बात पे? यस और अगर मैं सर इस 3 को मैं कर दूं 1 और इस कोड को रन करूं, तो रो नंबर 5 जो लास्ट रो है प्रिंट हो ये जाएगा। प्रिंट हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू रीयूज़ दिस कोड, कंप्यूटर तो यहाँ पहुँच गया है, आपने दोबारा वापस ऊपर आना है। इन ऑर्डर टू रीयूज़ दिस कोड, मुझे इस पूरे कोड को एक और फॉर लूप के अंदर डालना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले इसको फॉर लूप के अंदर डालते हैं, फिर बाकी का काम करते हैं। सो सेम वही रीज़न जो मैंने ऊपर बताया था, सेम वही तरीका कार। फॉर आप कर लें आर इन रेंज, रेंज के अंदर क्या आएगा वो बाद में देखेंगे, और उस पूरे कोड को आप फॉर लूप के अंदर लगा लें, ठीक है। और इसको भी मिटा दें, मिटा दें, इसको भी मिटा दें। नाउ अगेन ये कांस्टेंट नहीं रह सकता हमेशा, वरना मसला हो जाएगा, इसलिए इसको भी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, जो रीज़न मैंने यहाँ पे बताई थी। इसको एक वेरिएबल, यहाँ पे आपको एक वेरिएबल जो है वो डालना पड़ेगा। सो मैं वही वेरिएबल्स यूज़ कर लेता हूँ। एक मिनट, इस वेरिएबल का नाम भी स्पेस रख लें, और ये जो है ये इसका नाम भी, इसको थोड़ा स्टार बाहर ले जाते हैं, इसका भी नाम आप रख लें स्टार रख लें, ठीक है। अब मैं इसी कोड को एक मिनट, इसको आपने करना था 2 और इसको आपने करना था 1, सेकंड ये जो फोर्थ फिफ्थ रो है उसको प्रिंट करने के लिए, ठीक है। सो अगेन इस कोड को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ ताकि हमारा कोड की फाइनल शक्ल जो है हमारे सामने हो। सो 1 की जगह पे आपने क्या लिखना है, स्पेस, और 3 की जगह पे आपने क्या लिखना है, स्टार। और एंड अगेन यू हैव टू इनिशियलाइज। तो शुरू में स्पेस की वैल्यू क्या है, 1। सो यहाँ पे आप लिखेंगे स्पेस इज इक्वल टू 1, इनिशियल वैल्यू ऑफ स्टार इज 3, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा
स्टार इज इक्वल टू थ्री, ठीक है. एंड अगेन सेम वही रीजंस जो मैंने ऊपर बताई थी आपको, आपको यहाँ पे फिफ्थ रो को प्रिंट करने के लिए वन को करना है टू, स्पेस की वैल्यू इनिशियली वन है, उसको करना है टू, तो उसको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट बाई वन, यस इंक्रीमेंट बाई वन, वेरी गुड. तो इंक्रीमेंट बाई वन और स्टार जो है स्टार, स्टार इज इक्वल टू बाई टू, हाँ यस वेरी गुड, स्टार डिक्रीमेंट बाई टू करना पड़ेगा क्योंकि शुरू में थ्री है, अब आपको वन चाहिए, तो स्टार इज इक्वल टू स्टार माइनस टू मुझे करना पड़ेगा, ठीक है. अब ये तो आपको पता है, दिस कोड विल प्रिंट वन रो, ठीक है, और हमारे पास कितने रोज हैं यहाँ पे, टू रोज हैं. सो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ रेंज, रेंज की क्या वैल्यू होनी चाहिए, टू. जी वेरी गुड. सो इसकी वैल्यू होनी चाहिए टू, ठीक है. सो दिस इज माय कोड. अब आपने क्या करना है, डायमंड एक मिनट, अच्छा इसको अब टेस्ट करके देखते हैं, ठीक है. तो इसको मैं करता हूँ कॉपी एंड इसको मैं करता हूँ पेस्ट. सो इसको करते हैं स्पेस स्टार, इसको थोड़ा सा प्रिंट को पी लिखना पड़ेगा मुझे, और इसको भी प्रिंट, इसको भी एस, इसको भी एस, और इसको चला के देखते हैं, मे बी देर आर सम एरर्स, मैं उसको भी देख ले रहा. फोर भी स्मॉल है, एक मिनट और क्या, ये फोर और इसको भी फोर, और मेरे ख्याल में कोई एरर नहीं है, चला के देखते हैं. तो ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये लोअर हाफ ऑफ द डायमंड, ये प्रिंट हो गया लोअर हाफ. अब आपने क्या करना है, इस कोड को और जो प्रीवियस कोड है उनको आपस में ज्वाइन करना है इस तरीके से, ठीक है. सो दिस कोड विल प्रिंट द फर्स्ट हाफ ऑफ द डायमंड एंड दिस कोड विल प्रिंट द सेकेंड हाफ ऑफ द डायमंड. तो इसको आप रन करें तो आप देख सकते हैं कि ये फाइव रो वाला डायमंड जो है वो प्रिंट हो चुका है. अब आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि अगर मैंने प्रिंट करना हो थ्री रो वाला डायमंड, थ्री रो वाला डायमंड, इसी तरह अगर मैंने प्रिंट करना हो सेवन रो वाला डायमंड, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सो तीन रो वाला डायमंड अगर प्रिंट करना हो तो इस कोड में मुझे क्या चेंजेस करनी पड़ेंगी जिससे तीन रो वाला डायमंड जो है वो प्रिंट हो जाए. इसी तरह अगर मैंने सेवन रो वाला डायमंड प्रिंट करना हो तो इस कोड में मैं क्या चेंजेस करूं जिससे सेवन रो वाला डायमंड जो है वो प्रिंट हो जाए, ठीक है. अच्छा अब आपने मुझे ये बताना है कि नंबर ऑफ रोज डायमंड में अगर थ्री हो तो स्पेस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसी तरह स्टार की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसी तरह फर्स्ट रेंज की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसी तरह सेकेंड रेंज की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसी तरह यहाँ पे आप लिखते हैं फर्स्ट स्पेस, यहाँ पे आप लिखते हैं फर्स्ट स्टार, और इसी को आप रिपीट करें, इसी को
सेकंड स्पेस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, और सेकंड स्टार की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेकंड स्टार की वैल्यू क्या होनी चाहिए। फर्स्ट फर्स्ट स्पेस का मतलब ये है, ये वाला स्पेस, दिस इज़ द फर्स्ट स्पेस, दिस इज़ फर्स्ट स्टार, दिस इज़ फर्स्ट रेंज, द वैल्यू ऑफ फर्स्ट रेंज, सेकंड रेंज जो है वो ये है, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ सेकंड रेंज, एंड सेकंड स्पेस का मतलब ये है, दिस इज़ सेकंड स्पेस एंड दिस इज़ द सेकंड स्टार। सो आपने मुझे बताना है कि इसकी 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 क्या वैल्यूज़ होनी चाहिए फॉर थ्री रो डायमंड, इसी तरह फॉर सेवन रो डायमंड एंड इसी तरह फॉर नाइन रो डायमंड, क्योंकि नंबर ऑफ रोज ऑफ अ डायमंड इज ऑलवेज ऑड। हाँ जी, ये वाली टेबल आप लोगों ने फिल कर ली है? यस सर, कर लिया। सो थ्री रो वाले डायमंड के लिए मैं देखता हूँ, थ्री रो वाले डायमंड के लिए ये तो फर्स्ट वेरिएबल है स्पेस, इसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए? वन। अच्छा, और स्टार की वैल्यू क्या होनी चाहिए? वन। और ऐसा ये डायमंड थ्री रो वाले डायमंड के लिए फर्स्ट स्पेस की वैल्यू वन, चलो ठीक है, फर्स्ट रेंज की वैल्यू यानी इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? टू। ठीक है, और सेकंड रेंज की वैल्यू क्या होनी चाहिए इस रेंज की? वन। और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए सेकंड स्पेस की? ना वन। इसके लिए वन होगी, सेकंड स्पेस के लिए वन, और सेकंड स्टार के लिए वन, इसके लिए वन, वन, इसके लिए वन है। अच्छा अच्छा, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है, ये जो फर्स्ट स्पेस है अगर आप गौर से देखें, ये जो फर्स्ट स्पेस है, ये जो स्पेस फर्स्ट, ये जो मैंने लिखा हुआ यहाँ पे क्या मैं कह सकता हूँ कि दिस वेरिएबल रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ स्पेसेस इन द फर्स्ट रो, रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ स्पेसेस इन द फर्स्ट रो। ये देखें ना, फर्स्ट रो में कितने स्पेसेस हैं? फाइव रो वाले केस में दो हैं, थ्री रो वाले केस में वन है, सेवन रो के केस में आप खुद ही बताएंगे बाद में। सो फर्स्ट स्पेस रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ रोज, द नंबर ऑफ स्पेसेस इन द फर्स्ट रो।
फर्स्ट रो ऑफ द डायमंड, ठीक है। इसी तरह ये जो फर्स्ट स्टार वेरिएबल है, ये जो स्टार वेरिएबल जो पहली दफ़ा आपने लिखा है, क्या मैं कह सकता हूँ इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ स्टार्स इन द फर्स्ट रो ऑफ द डायमंड? इसको हम नंबर ऑफ स्टार्स, सॉरी, नंबर ऑफ स्टार्स इन द फर्स्ट रो ऑफ द डायमंड, यानी मैं इस पे इस कोड को मैं ज़रा करता हूँ, एक मिनट, कॉपी पेस्ट। इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। सो ओके, ज़रा थोड़ा स्टक हो गया, देखते हैं उसको। ओके, सो दिस रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ स्पेसेस इन द फर्स्ट रो ऑफ द डायमंड। इसी तरह ये जो वेरिएबल है ये वाला, इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ स्टार्स in the first row of the diamond. इसी तरह ये जो ये रेंज है, it represents the number of rows from the first row to the middle of the diamond. यानी first row से लेके यहाँ तक जितने rows बनते हैं, थ्री है, ठीक है, mid तक। तो mid तक मैं कह सकता हूँ कि this represents the, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं लिख के बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए हो क्या रहा है। सो इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ, इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, नंबर ऑफ, इसको थोड़ा सा उधर ले जाते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ रोज फ्रॉम टॉप टू मिड ऑफ द डायमंड। और इसी तरह ये जो स्पेस है, इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ स्पेसेस, नंबर ऑफ स्पेसेस इन द फर्स्ट रो ऑफ द सेकंड हाफ ऑफ द डायमंड। सेकेंड हाफ में ये देखें ना, ये सेकेंड हाफ है, और सेकेंड हाफ में, सेकेंड हाफ के फर्स्ट रो में एक स्पेस है। सो मैंने वही लिखा है, नंबर ऑफ स्पेसेस इन द फर्स्ट रो ऑफ सेकेंड हाफ ऑफ द डायमंड। और ये जो ये वाला द स्टार है, इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ, नंबर ऑफ स्टार्स कह लें या नंबर ऑफ स्टेरिक्स कह लें, number of statics in the in the first row of the second half of the diamond. और ये जो range है ये, this represents, हाँ जी ये बताएं आप, this represents number of, कोई बता सकता है? Rows, number of rows from, number of rows the middle to the last in row. The second, in the second half of the diamond. Number of rows in the second half of the diamond. ठीक है, second half ये है ना? एक मिनट इसको, so ये second half of the diamond है, तो इस second half में दो rows हैं, एक ये row है और एक ये row है, ठीक है? सो अब मुझे आप लोग ये बताओ कि थ्री रो वाले डायमंड को प्रिंट करने के लिए और किसी चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत पड़ी थी आपको इन हाइलाइटेड पैरामीटर्स के अलावा? इसको चेंज करने की ज़रूरत पड़ी आपको?
नहीं इसको नहीं, सेकंड वाले में हमें सेकंड हाफ के लिए ये खत्म करने की जरूरत पड़ी थी, स्पेस और स्टार वाले, बिकॉज ओनली वन स्टार वॉज नीडेड इन द लास्ट रो। अच्छा, आपका ख्याल में ये इसको चेंज करने की जरूरत पड़ी थी आपको, इसको मतलब इसको खत्म करने की, इसको खत्म करने की जरूरत पड़ी थी, डिलीट ही कर ये दिया थ्री आपने। थे ना। एक मिनट, इसको मैं देखता हूँ। अच्छा, तो आप लोग ये कह रहे हैं कि थ्री रो वाले के केस में स्पेस इज इक्वल टू स्पेस प्लस वन, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत पड़ी है, और नीचे स्टार वाले को भी। स्टार वाले को भी ख़त्म करने की ज़रूरत पड़ी है। स्पेस को तो नहीं खत्म करेंगे, स्पेस एक चाहिए थी ना, तो प्लस वन स्पेस तो और ऑलरेडी हमने चाहिए। 1 रखी हुई है। नहीं तो अगर आप इसको ओ हाँ ख़त्म ना, सही। नहीं अब मेरा मेरा सवाल ये है कि अगर आप इसको ख़त्म ना करें, मैं इसको भी ख़त्म कर देता हूँ ऐसे, इसको आप ख़त्म ना करें बल्कि आप इस टू को, जैसा कि अभी आपने भी यहाँ पे बताया है, यहाँ पे अगर आप इसको वन कर दें तो ये वाला मसला हल हो जाना था मेरे ख्याल में, इसको डिलीट करने की ज़रूरत ना पड़ती आपको, क्या ख्याल है? इसने तो एक ही दफ़ा जी चलना ये था, तो एक ही दफा सेकंड टाइम करना में तो था नहीं ना चलना था, क्या ख्याल है? जी। ठीक है ना, तो मेरे ख्याल में, इन माय ओपिनियन, इसको और इसको ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है थ्री रो वाले के केस में, क्योंकि आपने वन लिखा हुआ है और इस फॉर लूप ने एक ही दफ़ा चलना है। इवन दो स्पेस और स्टार की वैल्यू चेंज होगी तो चेंज हो जाए, कोई बात नहीं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। फॉर लूप ने ये वाला जो कोड है इसने कौन सा दोबारा चलना है, जो जिससे इनका इफेक्ट जो है वो रिफ्लेक्ट होएगा। सो मेरे ख्याल में इस बॉक्स को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ओके, अब आप लोगों ने ये बताना है कि फाइव रो वाले केस में तो क्लियर है, फर्स्ट स्पेस की वैल्यू क्या है, टू है, सेकेंड रो वाला फर्स्ट स्टार की वैल्यू वन है, फर्स्ट रेंज की वैल्यू थ्री है, सेकेंड रेंज की वैल्यू टू है। टू है, और सेकेंड स्पेस की वैल्यू वन है, सेकेंड स्टार की वैल्यू थ्री है। ठीक है, व्हाट अबाउट सेवन? फर्स्ट स्पेस 3 है, फर्स्ट अच्छा स्टार सेवन, 1 है। ओके, सेवन को देखने के यस लिए ये डायमंड जो है ये आप ये सामने है, सेवन रो वाला डायमंड ये सामने है। ठीक है, सो फर्स्ट स्पेस मैंने आपको बताया, इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ स्पेसेस इन द फर्स्ट रो ऑफ द डायमंड। सो नंबर ऑफ स्पेसेस इन द फर्स्ट रो कितनी है, एक थ्री दो, थ्री है। एक दो और ये तीन। सो तीन स्पेसेस के बाद ये पहला स्टैटिक जो है वो प्रिंट हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे करेक्ट। क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, थ्री थ्री आएगा। ठीक है, और नेक्स्ट फर्स्ट स्टार की वैल्यू, फर्स्ट स्टार वन रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ स्टार्स, ठीक है, ये हमेशा वन होगा, ये अब आपने ये ऑब्जर्व करें, चाहे सेवन हो रो वाला डायमंड हो, चाहे नाइन रो वाला डायमंड हो, चाहे थ्री हो, चाहे फाइव हो, ये हमेशा वन रहेगा। और फर्स्ट रेंज की वैल्यू, तो फर्स्ट रेंज रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ रोज फ्रॉम टॉप टू मिड, सो फ्रॉम टॉप, टॉप जो है वो ये है, फोर मिड जो है वो ये है, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, वन टू थ्री एंड फोर, सो नंबर ऑफ फोर रोज विल बी फोर। और सेकेंड रेंज, ये है, इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ स्टेरिक्स, पता नहीं स्टेरिक्स की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है, बहरहाल जो भी है, नंबर ऑफ स्टेरिक्स इन द फर्स्ट रो ऑफ द सेकेंड हाफ, सो नंबर ऑफ स्टेरिक्स इन द फर्स्ट रो ऑफ द सेकेंड हाफ जो है, यानी ये सेकेंड हाफ है, ये सॉरी ये सेकेंड हाफ है, और नंबर ऑफ स्टेरिक्स कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, यहाँ आपकी क्या वैल्यू आ रही है, आप लोगों ने क्या वैल्यू निकाली है, स्टार्स की, सेकंड स्टार की 5, थ्री सेकेंड रेंज की, सेकेंड रेंज की थ्री निकाली है। थ्री फिर सेवन के लिए। सेकंड रेंज तो नंबर ऑफ रोज होंगे ना, कितने हमें प्रिंट ओह कराने सॉरी, हैं उसके यस बाद। यस, नंबर ऑफ, हाँ ये नंबर ऑफ रोज, ठीक है, तो ये थ्री है, ठीक है, नंबर ऑफ रोज इज वन टू थ्री, और सेकेंड स्पेस की वैल्यू यानी ये वाली वैल्यू वन वन, ठीक है। अच्छा, अब आपने नोट डाउन करना है कि ये हमेशा वन रहेगी, सेकेंड स्पेस की वैल्यू, चाहे नाइन हो सेवन हो, ये देखें ना, नाइन्थ
नाइन रो वाले डायमंड में भी यहाँ पे एक स्पेस है, इसी तरह ये सेवन रो वाले डायमंड में भी एक ही स्पेस है, यहाँ पे थ्री रो वाले डायमंड में भी एक ही स्पेस है सेकेंड हाफ में, फाइव रो वाले डायमंड में भी एक ही स्पेस है, सो दिस विल ऑलवेज बी वन. और व्हाट अबाउट सेकेंड स्टार? सेकेंड स्टार रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ स्टेरिक्स, सो नंबर ऑफ स्टेरिक्स इन द सेकेंड हाफ इज 1, 2, 3, 4, 5, सो यहाँ पे क्या आएगा? 5 आएगा. ठीक है, ये 1, 2, 3, 4, 5, सो यहाँ पे 5 आएगा. 8, 9, 10, टाइम इज ओवर. एन माइनस 1/2, यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा लें आप. क्या ख्याल है ये, ज़रा गौर से देख लें. 3 - 1, 2, 2 / 2 = 1, 5 - 1, 4, 4 / 2 = 2, 7 - 1 = 6, 6 / 2 = 3. ठीक है, ये सही है ना, ये जनरलाइजेशन ठीक ही है ना मैंने. स्मॉल एन है, यहाँ पे स्मॉल एन आएगा. ठीक, इसमें किसी को कोई मसला हो? n - 1/2, ये कहाँ से आया है ये आपको बड़ी सोच विचार करनी पड़ेगी, लेकिन फिलहाल आपको ये हकीकत जो है वो माननी पड़ेगी कि n माइनस 1/2 ही है. ठीक है, व्हाट अबाउट दिस? ये तो हमेशा 1 ही होगा ना. ठीक है, चाहे 9 हो, 7 हो, 13 हो, 15 हो, तो ये 1 यहाँ पे लिखूँगा. व्हाट अबाउट फर्स्ट रेंज? क्या होगा n? कोई गैस? n + 1/2. ठीक है, तो 3 + 1 = 4, 4 / 2 = 2, 5 + 1 = 6, 6 / 2 = 3, 7 + 1 = 8, 8 / 2 = 4, 9 + 1 = 10, 10 / 2 = 5. ठीक है, ये आप लोग मुतमईन है ना इस जनरल फार्मूले से? यस सर. ठीक है ना, ये डोंट वरी कि ये कहाँ से आया, कैसे आया, जस्ट डोंट वरी अबाउट दैट. ये वक्त गुजरने के साथ साथ और काफ़ी सारे मैथ के कोर्सेज पढ़ने के बाद आपके जहन में खुद ही ये सारे आइडियाज़ जो हैं वो खुद ब खुद आते जाएंगे. सो फॉर द टाइम बीइंग डोंट वरी अबाउट कि ये कैसे आएगा, कहाँ से आया, क्यों आया, जस्ट यू हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट. ओके, व्हाट अबाउट दिस? रोज, नंबर ऑफ रोज का ताल्लुक आपने किसी तरह इस्टेब्लिश करना है. नंबर ऑफ रोज का क्या ताल्लुक होगा इसके साथ, नंबर ऑफ रोज का क्या ताल्लुक होगा हर पैरामीटर के साथ? ठीक है, स्पेस का तो वही होगा ना जो फर्स्ट स्पेस का होगा. हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल. सो एन माइनस 1/2 होगा. ठीक है, अच्छा, अब आगे जाने से पहले क्या आप लोग इस बात पे मुत्तफिक हैं कि किसी भी साइज के डायमंड को प्रिंट करने के लिए इस पैरामीटर, सॉरी, और इस पैरामीटर और इस पैरामीटर और इस पैरामीटर के अलावा किसी और पैरामीटर को या किसी और वैल्यू को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ना इसको, ना इसको, ना इसको, ना इसको, और ना ही किसी और चीज़ को? ठीक है, ये आप लोग मुत्तफिक हैं ना इस बात पे? जी सर. ठीक है, ना इसको, ना इसको, और ना इसको, क्योंकि ये तो हमेशा वन है. इट डज नॉट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ रोज. इसी तरह ये जो सेकंड स्पेस है, ये जो सेकंड स्पेस है, इट इज़ आल्सो नॉट डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ रोज. सो इनको ना कंसीडर करते तो कोई बात नहीं, और इनके अलावा किसी और चीज़ को चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है, ना इसको, ना इसको, ना इसको, ना इसको, किसी चीज़ को, और आप लोग तसल्ली कर सकते हैं बाद में. ठीक है, तो ये भी हमेशा वन ही रहेगा. व्हाट अबाउट दिस सेकंड स्टार? n - 2. यस, बिल्कुल. सो n - 2. अच्छा, ये जो सॉफ्टवेयर है इसको खुद ब खुद कैपिटलाइज कर रहा है. सो ये 3 - 2 = 1, इसी तरह 5 - 2 = 3, 7 - 2 = 5, 9 - 7 = 2. तो ये
अब आपने क्या करना है कि यही जनरल फार्मूला जो है, फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट स्पेस लिखा हुआ है ना, आप फर्स्ट स्पेस, ये जो फर्स्ट स्पेस जो आपने 2 लिखा हुआ है, इसकी जगह पे आपने n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 लिखना है। तो ये कोड है मेरा, एंड इसकी जगह पे मैं लिखूँगा n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ रोज। सो n नंबर ऑफ रोज क्या रखें आप बताएं? लेनी है n इज द नंबर ऑफ रोज, तो कोई भी ले लें, क्या रखें आप लोग बताएं? 7, 13। चलो 7 रख लेते हैं ताकि गिनने में भी आसानी हो। सो मैंने क्या किया कि मैंने ये टेबल बनाई है, और अब मैंने क्या किया कि ये जो जनरल फार्मूला है इसको अब मैं कोड के अंदर इंसर्ट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट स्पेस की जगह पे n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 लिख दिया है। अब फर्स्ट स्टार को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट रेंज को चेंज करने की ज़रूरत है, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो आप कोड में आएँ तो फर्स्ट रेंज ये है, सो इसको मैं करूँगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। और इसी तरह सेकंड रेंज जो है n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, सो सेकंड रेंज जो है वो ये है, इसको मैं करूँगा n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। एंड और किस चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है? सेकंड स्टार n माइनस 2, सो सेकंड स्टार ये है, तो इसको मैं करूँगा n माइनस 2। ठीक है, अब इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये क्या है, इसको चला के देखते हैं फिर आपको पता चलेगा। इसको प्ले करें, ये देखें ये क्या एरर आ रहा है, फ्लोट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज इंटीजर। यानी वो ये कह रहा है कि ये रेंज के अंदर आपने जो वैल्यू लिखी है ये फ्लोटिंग वैल्यू है। वो कैसे, ये देखें, मैं अगर मैं लिखता हूँ 1 डिवाइडेड बाय 2 तो ये 0.5 बनता है। इसी तरह अगर मैं लिखता हूँ से फॉर एग्जांपल 4 डिवाइडेड बाय 2 तो ये देखें ये फ्लोटिंग नंबर है, 2.0 फ्लोटिंग नंबर है ना, डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट जो है वो डिस्प्ले हो रही है, हालांकि इंटीजर है। आपकी नज़रों में 4 डिवाइडेड बाय 2 या 6 डिवाइडेड बाय 3, आपकी नज़रों में, यानी हमारी नज़रों में, इंसान की नज़रों में ये एक इंटीजर है, ये 2 जो है वो एक इंटीजर है, लेकिन पाइथन की नज़रों में ये इंटीजर नहीं है बल्कि ये एक फ्लोटिंग नंबर है। तो जब आप 6 डिवाइडेड बाय 3 करते हैं या 4 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो पाइथन मेमोरी के अंदर आंसर को, यानी ये जो 2 है, एज फ्लोटिंग नंबर स्टोर करेगा, सो 2.0। सो इट मीन्स दैट ये जो आपने इसके अंदर जो लिखा हुआ है ये फ्लोटिंग नंबर है। और आपको पता है, मैंने लैब में भी बताया कि रेंज के ब्रैकेट्स के अंदर आप फ्लोटिंग नंबर जो है वो लिख नहीं सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा int लिख के। सो इंटीजर में कन्वर्ट करें, ब्रैकेट्स डालें, तो ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात की समझ आ गई? जी सर। सिमिलरली ये देखें, ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है ये भी फ्लोटिंग नंबर है। ये क्यों फ्लोटिंग नंबर क्यों है, क्योंकि आपने एक इंटीजर के साथ डिवाइड किया, सो इसको भी आप इंटीजर में कन्वर्ट कर लें, इंटीजर। ठीक है, और स्टार को करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्टार तो ऑलरेडी वो है, इंटीजर है। इसको इंटीजर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है क्योंकि डिवाइडेड बाई 2 हो रहा है, नंबर से आप डिवाइड करें तो वो फ्लोटिंग नंबर बन जाएगा। और स्पेस को करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो तो ऑलरेडी इंटीजर है। स्टार को करने की भी ज़रूरत नहीं है। स्टार को करने की ज़रूरत क्यों नहीं है? क्योंकि वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, माइनस 2। हाँ जी, वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, आपने किसी नंबर के साथ डिवाइड नहीं किया, तो उसको भी कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सो लेट्स रन द प्रोग्राम एंड चेक। और ये आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सात रो वाला डायमंड जो है वो प्रिंट हो गया आपकी नज़रों के सामने। ठीक है, इसी तरह 7 की जगह पे अगर आप 9 कर दें तो ये 9 रो वाला डायमंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसी तरह अगर आप इसको 3 कर लें, ये 3 रो वाला डायमंड प्रिंट हो गया। इसी तरह अगर आप से फॉर एग्ज़ाम्पल 21 कर लें, ये 21 रो वाला डायमंड जो है प्रिंट हो गया। सो कॉन्ग्रेचुलेशन के आप लोगों ने डायमंड वाला प्रोग्राम जो है उसको जनरलाइज कर लिया। सो दिस विल बी द जनरल प्रोग्राम फॉर प्रिंटिंग एनी साइज, फॉर प्रिंटिंग डायमंड ऑफ एनी साइज। ठीक है, कोई भी, जब तक आपकी स्क्रीन भर नहीं जाती आप किसी भी साइज़ का डायमंड जो है वो प्रिंट कर सकते हैं, जस्ट बाई चेंजिंग दिस नंबर।
इस नंबर को चेंज करके। और सो आप देख सकते हैं कि हाँ जस्ट मैं थोड़ी सी बात कंप्लीट करना चाह रहा हूँ, फिर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो आप देख सकते हैं कि हमने काम कहाँ से स्टार्ट किया। हमने सबसे पहले फाइव रो वाला जो डायमंड है इसको हमने प्रिंट किया। इसके लिए हमने प्लानिंग की, ये सारी हमने प्लानिंग की। और प्लानिंग करने के बाद जो इससे प्लानिंग करने के बाद हमने ये वाला कोड लिखा, ये वाला। इस कोड को लिखने के बाद हमने टेस्ट किया। टेस्ट करने से हमें पता चला कि हाँ वाकई फाइव रो वाला डायमंड जो है वो प्रिंट हो रहा है। उसके बाद हमने कहा है कि नहीं, हमने एक जनरल कोड लिखना है जिससे किसी भी साइज़ का डायमंड जो है वो प्रिंट हो जाए। तो फिर मैंने आप लोगों से कहा है कि अच्छा अगर थ्री रो वाला डायमंड हो तो इस कोड में हम क्या चेंज करें जिससे थ्री रो वाला प्रिंट हो जाए, इसी तरह क्या चेंज करें जिससे सेवन रो वाला प्रिंट हो जाए, क्या चेंज करें जिससे नाइन रो वाला प्रिंट हो जाए, क्या चेंज करें जिससे एन रो वाला प्रिंट हो जाए। तो आप लोगों ने जवाब दिया कि एन माइनस वन बाई टू कर लें, इसको एन प्लस वन बाई टू कर लें, इसको एन माइनस वन बाई टू कर लें, इसको वन ही रहने दें, इसको एन माइनस टू कर लें। और उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि हमारा जो फाइनल कोड है वो ये बना है जो आपकी नज़रों के सामने। ठीक है, अब आप अपना सवाल जो है वो पूछ सकते हैं। सर वो एरर क्यों आया था, मतलब कि पाइथन ये मतलब करता तो है बस वो एक रूल है कि रेंज के अंदर फ्लोटिंग नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इट डजंट मेक सेंस। अगर आप लिखें फॉर एक्स इन रेंज 2.5, इसका क्या मतलब है कि वो ढाई दफा चले। अच्छा, मतलब आप लिखते हैं फॉर एक्स इन रेंज 2.5 और इसमें आप लिखें प्रिंट हेलो, तो यानी आप कंप्यूटर से ये कह रहे हो कि ढाई दफ़ा जो है वो हेलो को प्रिंट करें। इट डजंट मेक एनी सेंस। ढाई दफ़ा को प्रिंट कर क्या मतलब, ढाई दफ़ा प्रिंट करने का, ढाई दफ़ा ये हो सकता है कि आप हेलो दो दफ़ा प्रिंट कर लें, मतलब हेलो जो है वो आउटपुट जो है वो ऐसे आ जाए, हेलो फिर उसके बाद हेलो और उसके बाद एच ई एल। सो दिस डजंट मेक एनी सेंस। तो इसीलिए ये फ्लोटिंग नंबर जो है ना, ये इसकी रिस्ट्रिक्शन है फॉर लूप के अंदर। आप फॉर लूप भी है, फॉर लूप हो इवन नहीं, वाइल लूप में नहीं है, वाइल लूप में तो कंडीशन है, तो फॉर लूप में ये रिस्ट्रिक्शन है कि आप ये ढाई दफ़ा, इसी तरह आप कोई डेढ़ दफ़ा या इसी तरह कोई 0.5 टाइम्स, दिस इज़ इलॉजिकल, ये कोई सेंस नहीं बनता। दैट इज़ वाई, दिस इज़ द रीज़न। तो इसलिए यहाँ पे, इसलिए इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना जो है वो ज़रूरी है। सो दिस इज़ द कोड। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं। अच्छा, एक काम आप इसमें ये कर सकते हैं कि इस पूरे फंक्शन को यहाँ से इसको एक फंक्शन में के अंदर डाल दें। सो डिफाइन से फॉर एग्जांपल प्रिंट डायमंड, और इसमें आप पैरामीटर पास करें नंबर ऑफ रोज, और इस पूरे फंक्शन और इस पूरे कोड को इस फंक्शन में डिफाइन कर लें, इस पूरे के पूरे को। सो अभी और मेन कोड में आपने बस लिखना है प्रिंट डायमंड, और अब यहाँ पे आप थ्री एंटर कर लें तो आप देख सकते हैं कि थ्री रो वाला डायमंड प्रिंट होगा। फाइव एंटर करने से फाइव रो वाला प्रिंट हो जाएगा, इसी तरह सेवन प्रिंट करने से सेवन रो वाला डायमंड जो है वो प्रिंट हो गया। अच्छा, आप लोग और भी बड़े अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं, वो क्या, वो ये है कि इसको फॉर लूप में लगा लें, फॉर एक्स इन रेंज और एक्स इन रेंज थ्री से लेके 16 तक चले कर लेते हैं, थ्री से लेके 16 तक, और टू का डिफरेंस हो, और इसमें आप एक्स कर लें और इसको इस फॉर लूप में डाल दें, तो आप देख सकते हैं कि आउटपुट के ऊपर के थ्री रो वाला डायमंड, फाइव रो वाला डायमंड, सेवन रो वाला डायमंड, नाइन रो वाला डायमंड, इलेवन रो वाला डायमंड, थर्टीन रो वाला डायमंड, फिफ्टीन रो वाला डायमंड, ये सारे के सारे डायमंड्स इकट्ठे आपने प्रिंट कर दिए। ये वाला काम भी हो सकता है, प्रिंट डायमंड जस्ट यूजिंग दिस फंक्शन। इसको फंक्शन में डिफाइन कर लें तो आप
ये वाला काम जो है वो कर सकते हैं, या आप लोग ये वाला काम भी कर सकते हैं कि वाइल ट्रू यूज़र से इनपुट ले लें, एक्स इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट एंटर द साइज ऑफ द डायमंड, यहाँ पे कॉलन का साइन लगा लें, और उसके बाद आपने क्या करना है, प्रिंट डायमंड, प्रिंट DIAMOND, प्रिंट डायमंड वाला फंक्शन जो है उसको कॉल कर लें, और इसके अंदर x को पास कर दें एज पैरामीटर, और ये कर सकते हैं कि इफ x इज इक्वल टू, क्या करें, इफ यूजर एंटर, अरे फिर वो कंडीशन है ना कि ये वो होगा, इसको ऑड नंबर होना चाहिए x को, हाँ वो कर सकते हैं, वो और कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं, सो इफ x इज इक्वल टू नो ब्रेक प्रिंट एंड ऑफ द प्रो दी एंड चले कर लें दी एंड, एंड एल्स क्या करें, प्रिंट डायमंड कर लें, ठीक है, सो इसको चला के देख सकते हैं, एंड साइज ऑफ द डायमंड 5, ये 5 रो वाला डायमंड प्रिंट हो गया, 7 रो वाला डायमंड प्रिंट हो गया, 3 रो वाला डायमंड प्रिंट हो गया, अगर मैं लिखूँ नो मतलब आई डोंट वॉन्ट टू प्रिंट एनी थिंग, सो नो लिखने से देखते हैं क्या होता है, नो लिखने से एक चीज़ ये हो गई है कि एक एरर किया है यहाँ पे, प्रिंट, सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मिस्टेक, सो इसको प्रिंट करें, इसको 5 करें, इसको 9 करें और नो करें, एंड नो करने से एक और एरर आ गया, कैपिटल एन ओ लिखना पड़ेगा, सॉरी, ओके, सो 5 स्मॉल एन ओ, तो दी एंड हो गया, प्रोग्राम जो है वो ख़त्म हो गया, ठीक है, सो बड़े अच्छे अच्छे काम आप कर सकते हैं अगर आप इसको एक फंक्शन के अंदर जो है वो डिफाइन कर, सो हो सकता है इवेल्यूएशन में मैं आपसे पूछूं कि राइट अ प्रोग्राम टू इन विच द यूज़र enters the size of the diamond and the corresponding diamond should be printed at the output. So, फिर आप इस तरह का कोड जो है वो लिखेंगे, लेकिन उससे पहले ये वाला फंक्शन जो है वो लिखना ज़रूरी है, और इसको लिखने के लिए इस तरह का प्लान बनाना ज़रूरी है, अगर आप इस तरह का प्लान नहीं बनाएंगे और जो स्टेप्स मैंने फॉलो किए हैं उनको फॉलो नहीं करेंगे आप, तो फिर आप तुक्के लगाते रहेंगे और ये प्रोग्राम जो है वो कभी भी 100% जो है वो कंप्लीट नहीं होगा, देर विल बी सम बग्स, देर विल बी सम एरर्स, देर विल बी मैनी प्रॉब्लम्स इन द कोड, हो सकता है कि आपका डायमंड जो है वो आधा डायमंड इधर आ जाए आधा डायमंड इधर आ जाए, हो सकता है कि डायमंड बनने के बजाय कोई ट्रायंगल बन रहा होगा, या डायमंड के बजाय कोई खलाई मखलूक बन रही होगी, सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि जब भी आप कोडिंग करें तो प्लान करके कोडिंग करें, ये देखें ये सारे का सारा प्लान, तो इस प्लान के बगैर कभी भी आपका कोर्स जो है वो 100% सही नहीं चलेगा।